ओम शांति। ये रात्रि क्लास है 26-8-66। कुछ ना कुछ सुनने से फिर भी बाप की स्मृति तो अच्छी रहती है ना। बाप की स्मृति पाई तो रचना की स्मृति पाई। रचयिता जरूर रचना का सारा ज्ञान सुनावेंगे। ऋषि मुनि आदि सब कहते थे हम नहीं जानते। तो रचयिता ही रचना की नॉलेज बताते हैं। कोई भी ऋषि मुनि आदि रचयिता नहीं हो सकते। और रचयिता बाप पावन बनने की भी युक्ति सिखाते हैं। क्या है पावन बनने की युक्ति? एक बाप की भी याद कब आएगी? बहुतों से संपर्क जोड़े रहेंगे, बहुतों से संबंध जोड़े रहेंगे इंद्रियों का, तो बाप की स्मृति आएगी। बहुतों की बातें सुनते रहेंगे तो बाप की स्मृति आएगी। एक बाप की स्मृति कैसे आएगी? अभी अभी बताया, कुछ ना कुछ सुनने से फिर भी बाप की स्मृति तो रहती है ना। किससे सुनने से? बाप से सुनने से बाप की स्मृति रहती है। कोई को देखते हैं तो उसकी याद आती है, आंखों से ही देखा जाता है। कोई की बातें सुनते हैं तो भी उनकी याद आती है। ऐसे ही कोई भी इंद्रियों का संग करेंगे और लगाव पूर्वक करेंगे तो याद जरूर आएगी। तो रचयिता बाप पतित से पावन बनने की युक्ति सिखाते हैं। पतित कैसे बने? क्या हुआ जो पतित बने? और कब से पतित बने? जब द्वैतवादी द्वापर युग आया तो पतित बने। देवताएं तो अद्वैत थे, एक राजा, एक भाषा, एक धर्म, एक मत, एक ही कुल था, तो पावन ही बने रहे। फिर द्वापर युग से दूसरा धर्म पिता आ गया, दूसरा धर्म आ गया, 2 से 4, 4 से 8 धर्मों की संख्या बढ़ती गई। और द्वैतवाद बढ़ता गया।
तो अनेकों की याद आने लगी, क्योंकि अनेकों का संग हुआ, अनेकों का संग करने से पतित बने। क्यों पतित बने अनेकों का संग करने से? ऊंचे भी तो उठ सकते हैं, क्योंकि जो भी अनेकों का संग हुआ वो कोई भी एवर प्योर नहीं है, कोई आत्मा ऐसी नहीं है जो संग के रंग में आने वाली न हो और संग के रंग में आकर नीचे गिरने वाली न हो। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं सब ऊपर से नीचे गिरती आई, क्योंकि सबको संग का रंग लगता है। एक बाप ही है जो पतित दुनिया में आता तो है, पतित से पतित तन में प्रवेश भी करता है, परंतु फिर भी उसको संग का रंग नहीं लगता, इसलिए उसको कहते हैं एवर प्योर। और कोई भी आत्मा को एवर प्योर नहीं कहेंगे। क्या कारण बताया? एवर प्योर क्यों नहीं कहेंगे? अरे क्योंकि सबको संग का रंग लगता है। एक बाप परमपिता परमात्मा ही है जिसको संग का रंग नहीं लगता। ऐसे भी नहीं कि शिव ज्योति बिंदु बाप सदैव बिंदु रहता है, नहीं, साकार तन में प्रवेश करता है तो भी संग का रंग उसको नहीं लगता। तो बाप रचयिता ही युक्ति सिखाते हैं, और सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज भी सुनाते हैं कि तुम कैसे पतित बनते हो। 84 जन्म लेते लेते संग के रंग में आते आते कुछ न कुछ सतयुग के आदि से ही पतित पना शुरू हो जाता है। द्वापर युग से भ्रष्ट इंद्रियों के संग में आने से सबसे जास्ती पतित पना शुरू होता है। त्रिकालदर्शी बनने से फिर वो ही ख्यालात चलते हैं, क्योंकि तुमको आदि मध्य अंत का नॉलेज मिल जाता है। स्टूडेंट को पढ़ाई ही जरूर याद रहती है। बल शादी आदि कहां भी जावे याद रखना है अपनी स्टडी और टीचर को। बच्चों को स्मृति रहती है तो खुश रहते हैं, नहीं स्मृति रहती है फिर कोई ना कोई उल्टा सुल्टा काम रहता है, तो इस ज्ञान में बड़ा चुस्त रहना चाहिए। कितना भी अपन को अच्छा समझते हैं फिर भी माया वार कर लेती है। ये बाबा खुद कहते हैं कि याद भूल जाती है, माया के बहुत तूफान आते हैं।
फिर कोई को कम आते हैं, कोई को जास्ती आते हैं। संपूर्ण तो कोई भी नहीं बना है। तो जिनको बहुत तूफान आते हैं उनको बहुत खबरदार रहना चाहिए। अगर अलर्ट नहीं रहेंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। जिस घर में बहुत मेहमान आते हैं उनको भाग्यशाली समझते हैं। और ये तो है बेहद के बाप का घर। बच्चों को मनसा वाचा कर्मणा, इस घर में बहुत सर्विस करनी चाहिए और आने वाले मेहमानों की पूरी खातिरी करनी चाहिए। बाबा जानते हैं कि कौन कौन है जो एक दो का रिगार्ड रखते हैं, पूरी खातिरी करते हैं और उनकी सर्विस करते हैं। एक दो की सर्विस करनी चाहिए ना, मूड ऑफ तो नहीं करना चाहिए। एक दो में लूंड पानी होते हैं तो डिससर्विस जरूर करते हैं। किसी यज्ञ की सेवा तो कोई महान सौभाग्यशाली कोई मिलती है। सारी दुनिया को तो मिल ही नहीं सकती। जो ब्राह्मण बनते हैं वो सुखधाम के मालिक जरूर बनते हैं। वहां सुखधाम में तो अपार सुख है। यहां भी इस पतित दुनिया में कोई कोई बड़े आदमी होते हैं तो उनके पास भी सुख रहते हैं। आराम के लिए तुम बच्चों को भी विश्राम पाना है। भक्ति मार्ग वाले ऐसे नहीं समझते हैं कि इससे हमने दुर्गति को पाया है। किससे? भक्ति मार्ग से। भक्ति से दुर्गति को पाया है ये नहीं समझते। गति भी नहीं होती है। चारों तरफ लगाते फेरे फिर भी हरदम दूर रहते हैं। भक्ति मार्ग में बाप को जरूर याद करते हैं। कहते हैं हे भगवान हे राम। अब भगवान या राम या परमात्मा है तो एक ही। क्या क्या नाम बताए? चाहे भगवान कहो, भगवान माने भाग्यवान, अब आत्माओं का बाप भाग्यवान बनता है क्या? आत्माओं के बाप को भाग्यवान या दुर्भाग्यवान कहेंगे?
शिव को कहेंगे, शिव न आभाग्यवान बनता है और न दुर्भाग्यवान बनता है। हाँ, जिस मनुष्य तन में वो मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है वो हीरो पाटधारी जरूर भाग्यवान बनता है, और फिर अंतिम जन्म में दुर्भाग्यवान भी बनता है। तब तो बाप आते हैं। तो भगवान राम या परमात्मा, कैसी आत्मा? परमात्मा अर्थात परम पार्ट बजाने वाली हीरो पार्टधारी आत्मा, ये एक के ही नाम है। परंतु परम पिता नहीं है। कौन? परमात्मा या भगवान या राम क्या नहीं है? परम पिता नहीं है, मनुष्य सृष्टि का पिता है, बेहद का पिता है, परंतु आत्माओं का पिता नहीं है। दुख के समय भी बाप को याद करते हैं। कौन? शिव याद करते हैं, है? शिव नहीं याद करते हैं, कौन याद करते हैं? है? सभी आत्माएं जो भी दुखी होती हैं, दुर्भाग्यशाली बनती हैं, तो दुख के समय में आत्माओं के बाप को याद करते हैं। क्यों? क्योंकि एक आत्माओं का बाप ही है जो सारी मनुष्य सृष्टि को, सभी आत्माओं को, चाहे मनुष्य आत्माएं हो, देव आत्माएं हो, राक्षसी कर्म करने वाली आत्माएं हो, पशु हो, पक्षी हो, कीड़े हो, मकोड़े हो, पेड़ पौधे हो, सबको आकर के सुखी करते हैं। दुर्भाग्यशाली से सदभाग्यशाली आकर बनाते हैं। इसलिए गाया भी जाता है, दुख में सिमरण साफ करें। तो क्या पेड़ पौधे दुख में सिमरण करेंगे? जानवर करेंगे? पशु पक्षी करेंगे? कौन करते हैं सिमरण? स्मरण कौन करते हैं? मनुष्य ही स्मरण करते हैं। बड़ा मर्तबा पाने के लिए बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि गरीब और साहूकार का फर्क तो रहता है ना। मनुष्य हरेक बात में पुरुषार्थ करते हैं कि बहुत धनवान बन जावे, धन होगा तो हीरे के सोने के मकान बनावेंगे, क्योंकि पुरुषार्थ करके ऊंच पद पाना है। बच्चों को तो बहुत चांस है, दुनिया वालों को इतना चांस नहीं है। बड़ा मर्तबा बनाने का, बाप कहते हैं काम करते रहो, कर्मधारा नहीं रोकनी है, सन्यासियों मिसल। परंतु क्या करो?
कम कार्डे दिल यारडे बाप को याद करते रहो। ये याद करने की कमाई बहुत भारी है। तूफान भी इस याद में आते हैं। तो तुम बच्चों को नंबर वन फर्स्ट क्लास युक्ति बताते हैं, बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जावेंगे। तो बच्चों को आज्ञा भी माननी चाहिए ना। वो आज्ञा भी तुम्हारे सुख के लिए है क्या? दुनिया में जो भी धर्म पिताएं आते हैं, महात्माएं आते हैं, आज्ञाएं देते हैं, उनकी आज्ञा पर चलते चलते जन्म जन्मांतर दुखी होते आए या सुखी दुनिया में गए? दुखी होते आए। ये एक ही बेहद का बाप है और आत्माओं का बाप है, जो मनुष्य सृष्टि के बाप में आकर के आज्ञा देते हैं, तो आज्ञा मानना चाहिए ना। जितना जो करेंगे अपने लिए ही करेंगे। अच्छा, कारण है या कारण है? पूर्व जन्मों का कोई पाप उदित हो गया है? संगमयुगी ब्राह्मण जन्म में संकल्पों की रील में कोई खराब समय आ गया है, पाप उदय हो गया है, तो याद नहीं कर सकते? बहुत मेहनत करने पर भी बाप की याद नहीं आती है? अच्छा, कोई बात नहीं, कोई को परिचय तो देते रहो, इतना तो कर सकते हो। कर सकते हो या नहीं कर सकते? कर सकते हो, बोलो। दुनिया में इतनी बड़ी सृष्टि में एक ही बाप है, परमपिता परमात्मा, जिसने तुमको सुख का वर्षा दिया था क्या? अल्पकाल का वर्षा नहीं दिया था, दीर्घ काल का वर्षा दिया था। फिर जब रावण राज्य शुरू होता है, रावण अर्थात दस सिरों का राज्य, जरूर कोई रावण के मुखों की कफिलिया होती है। वो अपना अलग संगठन बनाते हैं, अपनी अलग आज्ञाएं निकालते हैं, अपने अलग डायरेक्शन निकालते हैं। तो जब रावण राज्य होता है, अनेक सिर वालों का, अनेक मत मतांतर वालों का, तो सीढ़ी तेजी से नीचे उतरने लग पड़ते हो। अभी तो फिर बाप आया है। कौन बाप आया है? है कृष्ण आया है या राम आया है? राम को एक सिर दिखाते हैं, रामलीला दिखाते हैं ना, और रावण को अनेक संगठित सर दिखाते हैं। ये यादगार है कि सच की दुनिया स्थापन करने के लिए
सारी दुनिया भले दुश्मन बन जाए रावण के चंबे में आकर के, तो सारी दुनिया एक ओर हो जाती है और राम बाप एक ओर हो जाता है। यज्ञ के आदि में भी ऐसे ही हुआ। क्या हुआ? एक बाप एक तरफ और सारी दुनिया दूसरी तरफ हो गई। इसलिए बाप कहते हैं, हे बच्चे, तुम आए हो बाप के सामने सिर हथेली पर लेकर। तो तुम्हारी अंतिम विजय निश्चित है। एक दो को बाप की याद जरूर दिलाते रहना है। वो बाप मीठे से मीठा बाप है, मीठे मीठे बच्चों को अच्छी रीति याद आना चाहिए। उसकी याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। वे माने विपरीत, कर्म माने कर्म। जो बाप की श्रीमत है अथवा जो बाप ने श्रीमत दी थी, उस मत के विपरीत कर्म तुम करने लगे, वो पाप कर्म बन गए। वो पाप कर्म अब बाप की याद से ही नष्ट होंगे। तो तुम बच्चों को ये तो निश्चय है कि हम बाप से ही वर्षा लेकर छोड़ेंगे। जितना हो सके, जितनी फुर्सत मिले तो याद में लग जाना चाहिए। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, झरमुई झगमुई में टाइम वेस्ट हो जाता है। 84 जन्मों की सीढ़ी तो तुम्हारी बुद्धि में होगी। मनसा वाचा कर्मणा क्या करना है? अरे मनसा वाचा कर्मणा, कर्मणा से याद की जाती है, है वाचा से याद की जाती है, तो भगत करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा क्या करना है? सर्विस ही सर्विस। ये सब सब्जेक्ट्स हैं। अब जितना जो करेगा उतना उच्च पद पावेगा। इस जन्म में तुम्हारा ये टाइम तो बहुत वैल्यूबल है। भक्ति मार्ग में कह दिया है मनुष्य जन्म बहुत वैल्यूबल है। परंतु द्वापर युग से मनुष्यों ने तो ढेर के ढेर जन्म लिए, तो सारे ही मनुष्यों के जन्म वैल्यूबल है क्या? ये ब्राह्मण जन्म वैल्यूबल है, और वो भी झूठे ब्राह्मणों का जन्म नहीं, जो सच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं, प्रैक्टिकल में ब्रह्मा की औलादे हैं, उनके जन्म की बात है। ब्रह्मा को ही मनु कहा जाता है, मनुष्य की मनुष्य को मनु की औलाद कहा जाता है। मनु की पैदाइश से मनुष्य बने, तो इस जन्म की बात है। कोई को कमाई का समय है तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए।
ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करते रहना है। ऐसी कमाई का समय सारे कल्प में तुम बच्चों को एक ही बार मिलता है। तो जितना समय मिले बच्चों को सर्विस के लिए भेजने के लिए तो हम तैयार ही हैं। कोई बच्चे हिम्मत करें तो बाप मदद के लिए तैयार ही है। बाबा गांव गांव में ये प्रदर्शनी देंगे। कुछ में कच्छ में 12-13 चित्र भी ले जाए, उनमें सीढ़ी तो बहुत मुख्य है। ये बहुत अच्छी चीज है। बाबा तो मैगजीन में भी प्रदर्शनी के ये रंगीन चित्र निकलवाते हैं। शिव बाबा के बच्चे ढेर के ढेर हैं। ये कोई डोनेशन की बात नहीं है, यहां तो बच्चा बनने की बात है। बच्चा बनेंगे ऐसे बाप का तो बच्चा और बाप अलग अलग होता है क्या? समझाया जाता है बच्चे कब बाप को डोनेशन दे देंगे क्या? बाप तो वर्षा देते हैं और विश्व की बादशाही का वर्षा देते हैं। तो बाप तुम्हारे पैसे का क्या करेंगे? सर्विस में लगा देंगे। तो भाई बहनों को सर्विस में मदद करनी है। बाकी ऐसे कोई न समझे कि हमने ईश्वरीय सेवा में डोनेशन दिया, वो तो भक्ति मार्ग की बातें हैं। गरीबों को डोनेशन दिया जाता है। ये बाप तो विश्व की बात सही देने वाला है, इसको तुम क्या डोनेशन देंगे? हमारा निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासियों से कोई कनेक्शन नहीं है। अब तुमको श्रीमत मिलती है और श्रीमत भगवान बाप ही देते हैं। अब माने कब है? जिस समय ये वाणी बोली गई उस समय है, उस समय ही तुमको श्रीमत मिलती है। जब ब्रह्मा मुख से ये वाणी बोली गई, ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद बाप से श्रीमत मिलना बंद हो जाता है क्या? बाप तो कहते हैं मैं तुम बच्चों को साथ लेकर के जाऊंगा। तो ऐसे नहीं है कि ब्रह्मा बाप चला गया तो प्रैक्टिकल में श्रीमत मिलना बंद हो जाती है। जो ऐसे समझते हैं वो फिर दीदी दादी दादाओं की मत पर चलने लग पड़ते हैं। वो रावण राज्य स्थापन करेंगे या राम राज्य बनावेंगे? वही आत्माएं हैं, बेसिक में भी है और एडवांस में भी है। रावण संप्रदाय के बीज एडवांस में नहीं है क्या? हैं। जो एक बाप को किनारे कर देती हैं और कान में मंत्र फूंकने वालों के मत पर चल पड़ती हैं।
फिर गुरु लोग कहते हैं जो मंत्रणा हमने तुमको दी वो किसी को बताना नहीं। तो तुम समझ सकते हो कि श्रेष्ठ मत है तो सबको देनी चाहिए या छुपाने की बात है। जरूर कुछ दाल में काला है। तो श्रीमत भगवान ही देते हैं। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कौन है ये देखना चाहिए। श्रेष्ठ और भ्रष्ट परम धाम में होते हैं क्या? कहां होते हैं? है इस सृष्टि पर ही श्रेष्ठ से श्रेष्ठ और भ्रष्ट से भ्रष्ट कर्म करने वाले हैं। तो देखना चाहिए कि हमें किसकी श्रीमत पर चलना है। कौन है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ? माया श्रेष्ठ को भ्रष्ट बनाए देगी और भ्रष्ट को श्रेष्ठ बनाए देगी। तो तुम मुगालते में पड़ जाते हो। कौन श्रेष्ठ है कौन भ्रष्ट है? जब फैसला नहीं कर पाते तो समझना चाहिए कि हम बुद्धिमान बुद्धिमानों की बुद्धि जो बाप है उस सब बुद्धिमानों की बुद्धि बाप के बच्चे हैं या बुद्धुओं के बच्चे हैं? बुद्धिमान का बच्चा भी जरूर बुद्धिमान होगा। तो जितना ऊंच मत तुमको मिलती है इतनी ऊंच मत दुनिया में और किसी को नहीं मिल सकती। और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जिसको कहें श्रेष्ठतम वो एक ही होता है या अनेक होंगे। भक्ति मार्ग में वो किस नाम से प्रसिद्ध है? अरे अरे सतयुग आदि में किसका राज्य था? नारायण का राज्य था। तो जरूर जो नर से डायरेक्ट नारायण बनता है भगवान की मत पर शिव बाप की मत पर श्रेष्ठ बनता है। उसी के मुख से श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत मिलती है। इसलिए मुरली में तो यहां तक कह दिया कि सबसे अच्छा पुरुषार्थ है नारायण को याद करना। लेकिन पहचान के याद करेंगे या जो सामने आके उल्टी पलटी सुनाने लगेगा उसी को याद करने पर लग पड़ेंगे? तुमको तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बाबा पढ़ाते हैं और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देवता बनाने के लिए पढ़ाते हैं। ओम शांति। दूसरा रात्रि क्लास है 3866 का। मनुष्य को देवता अर्थात भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए बाप ही आते हैं। और दुनिया में इतने बड़े बड़े
महात्माएं हुए, साधु संत हुए, ऋषि मुनि हुए, ग्रेट कहे जाने वाले धर्म पिताएं हुए, वो श्रेष्ठाचारी नहीं बनाते हैं। है? वो श्रेष्ठाचारी नहीं बना सकते हैं? क्यों? क्योंकि खुद ही भ्रष्ट इंद्रियों से पैदा हुए हैं, वो मुखवंशावली नहीं है, कुखवंशावली है। मुख ऊपर होता है या गोद ऊपर होती है? मुख ऊपर होता है। तुम तो प्रैक्टिकल में ब्रह्मा की मुखवंशावली हो, बाप जिस तन में भी प्रवेश करते हैं उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं, और ब्रह्मा एक का नाम नहीं है, है? ब्रह्मा नाम कई के हैं या एक का ही है? हैं? कोई कहता एक का, कोई कहता अनेक के। अरे ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं तो एक की बात है या अनेकों का संगठन है? एक मत का संगठन है। विष्णु में और रावण में कोई खास फर्क है? क्या फर्क है? रावण को अनेक सिर हैं, अनेक मते हैं, और विष्णु की एक सिर दिखाया जाता है। बल सहयोगी भुजाएं हैं लेकिन मत एक की है। तो भारत के लिए ही समझाना है कि जब बाप आते हैं तो भारत श्रेष्ठाचारी बनता है। कोई भी दूसरे धर्म के श्रेष्ठाचारी नहीं बनते हैं। श्रेष्ठ इंद्रियों से आचरण करने वाले को श्रेष्ठाचारी देवता कहा जाता है। भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करने वाले को भ्रष्टाचारी मनुष्य या राक्षस कहा जाता है। आजकल गवर्नमेंट भी कहती है कि मनुष्य भ्रष्टाचारी बन गए हैं। तो यथा राजा तथा प्रजा, इससे क्या साबित हुआ कि गवर्नमेंट भी भ्रष्टाचारी है? यथा गवर्नमेंट तथा प्रजा, तो ये बात भी उनको समझानी पड़े। अब कहते हैं श्रेष्ठाचारी है या भ्रष्टाचारी है, जरूर कोई समय भारतवासी श्रेष्ठाचारी थे, तो देवताओं की पूजा होती है। अभी तो भ्रष्टाचारी बने हैं। इसका कोई प्रूफ मिलता है कि आज के जो राजाएं हैं, राजनेताएं हैं, वो भ्रष्टाचारी है और देवताएं श्रेष्ठाचारी थे? कोई प्रूफ है? देवताओं के तो प्रूफ है मंदिरों में। मंदिरों में
उनकी मूर्तियां रख करके पूजा की जाती है। पूजा श्रेष्ठ की होती है या भ्रष्ट की होती है? श्रेष्ठ की होती है। लेकिन जो भी आज की दुनिया के राजाएं हैं, कोई भी राजाएं क्यों न हो, कोई भी नेताएं क्यों न हो, उनके मंदिर बनाए जाते हैं या चौराहों पर खड़ा कर दिया जाता है, उनकी पूजा नहीं होती है। तो भारत शिष्टाचारी था, जिसको सत्ययुग कहेंगे। सत्य का युग था। आज सनातन देवी देवता धर्म था। अब भारत है भ्रष्टाचारी है, पतित है, इसलिए श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए चिल्लाते हैं। जरूर कोई समय भारत श्रेष्ठाचारी था, तो बनाने वाले भी कोई होंगे। श्रेष्ठाचारी बनाने वाले अनेक होंगे या एक ही है? अनेक सहयोगी बन सकते हैं, सर्विसेबल बन सकते हैं, जो सेवा करने की मदद करते हैं। श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए बाप उनकी मदद करते हैं। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं पड़ता। तुम ब्रह्मा कुमारियां कहती हो, मैं नहीं कहता हूं। क्या तुम ब्रह्मा कुमारियां कहती हो हम भ्रष्टाचारी भारत को 10 वर्ष में श्रेष्ठाचारी बना देंगे? कहती थी कि नहीं कहती थी? है आज बात पलट गए या अभी भी कहती है? हैं? कौन से सन की वाणी है? हैं? 66 की वाणी है। तो भगवान के वाक्य और भगवान के बच्चों के वाक्य जो सचखंड की स्थापना करते हैं, वो बातों को पलटते हैं क्या? हैं? वो बात को पलटने वाले नहीं होते हैं। इसलिए बाप कहते हैं कि तुमने जो 10 वर्ष श्रेष्ठाचारी बनाने की घोषणा की थी, तो तुमको ये बात समझाना भी पड़े। क्या घोषणा? भगवान बाप ने कराई थी या अपने आप की थी? मनमत पर, मनमत पर की थी। हाथ उठाओ कौन मनमत पर या श्रीमत पर घोषणा की थी? हैं? श्रीमत पर घोषणा की थी या मनुष्य मत पर घोषणा की थी? श्रीमत पर घोषणा कराई गई थी। करने वाली तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही थे जिनके द्वारा घोषणा कराई गई। तो उनको समझाना चाहिए या नहीं समझाना चाहिए ये बात? ये बात कैसे है कि 10 वर्ष में अर्थात 76 में भ्रष्टाचारी दुनिया का अंत होगा अथवा अंत की शुरुआत होगी और नई श्रेष्ठाचारी दुनिया की स्थापना होगी? भ्रष्टाचारी दुनिया खलास,
और शिष्टाचारी दुनिया की शुरुआत। कैसे समझावेंगे? क्या 10 वर्ष के अंदर शिष्टाचारी दुनिया की स्थापना हो गई है? फाउंडेशन पड़ा। कहां फाउंडेशन पड़ा? 500 करोड़ के बीच है? हाँ, बताया है। इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए जब इन लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ। तो 5000 वर्ष के शक्ति चक्र में से 66 में उल्टे घूमते जाएं, पूरा 5000 वर्ष तक न घूमे, 10 वर्ष पहले ही रुक जाएं, तो कौन सा सन आएगा? है 76 आता है। तो 76 में भ्रष्टाचारी भारत खलास होता है और शिष्टाचारी भारत की शुरुआत होती है। कैसे? अरे है क्या, धीरे क्यों बोलते हो? लड़ाई लड़ते हैं तो बड़ी जोर से बोलते हैं। हाँ, है? शंकर का पाठ शिष्टाचारी शुरू हो गया है? मुकर्रर शुरू हो गया, कोई मानेगा? है मुरलिम बोला है, हमने नहीं प्रैक्टिकल में समझा है, है? अव्यक्तवाणी में बोला है। क्या बोला है? बाप का प्रत्यक्षता वर्ष 76 है, अव्यक्तवाणी में बोला है। तो नारायण है वो कहां है? बाप तो शिव है, वो तो नरको नारायण बनाने वाला है, न कि खुद नारायण है, है? बनाने वाला है। तो 76 में ये कैसे साबित होता है कि शिष्टाचारी भारत की स्थापना हुई, जन्म हुआ? चैतन्य भारत में क्या क्या परिवर्तन होता है? गोरा हो जाता है काले से, है? शिवरात्रि दुनिया में छुट्टी होती है, दुनिया वालों को पता, गवर्नमेंट को पता है, छुट्टी करने वाली तो भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट है, उनको पता है कि शिष्टाचारी भारत का जन्म हो गया है? हाँ, कोई आत्मा है जो श्रीमत के अनुसार संकल्प करने वाली है। दुनिया का कोई भी छोटा बड़ा काम हो, पहले संकल्पों से बीज पड़ता है कि कर्मणा से प्रैक्टिकल शुरू हो जाता है? मकान बनावेंगे, दुकान बनावेंगे, कारखाना बनावेंगे, तो कहां से शुरुआत होगी? मन बुद्धि रूपी आत्मा के अंदर ये संकल्प सेट होता है। तो जब से मन बुद्धि रूपी आत्मा, नारायण वाली आत्मा श्रीमत को पक्का पक्का पकड़ लेती है 100%,
श्रीमत के अनुकूल ही संकल्प चलें, जिसको कहते हैं मनमना भव। क्या अर्थ है मनमना भव का? जो मेरे मन में संकल्प है उसी में समा जाए।